एमएसएमई जिला उद्योग संघ के औद्योगिक क्षेत्र स्थित कार्यालय में उद्योगपतियों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। एसपी के एमएसएमई कार्यालय पहुंचने पर अध्यक्ष के झा और अन्य पदाधिकारियों द्वारा गुलाब के पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया गया। अपराधियों पर नकेल कसने जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन पर जिला पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। एसपी स्वयं देर रात सड़कों पर निकलकर अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस के साथ सक्रिय नजर आते हैं, जिस वजह से पुलिस अधीक्षक का सम्मान विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में होली पूर्व एमएसएमई जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष के झा के आमंत्रण पर डॉक्टर अभिषेक पल्लव औद्योगिक क्षेत्र स्थित एमएसएमई के कार्यालय में उपस्थित हुए। यहां पुलिस अधीक्षक के पहुंचने पर अध्यक्ष के झा सहित अन्य पदाधिकारी अरविंदर सिंह खुराना, विजय अग्रवाल, संरक्षक एस स्वामीनाथन, यश जैन, चरणजीत सिंह खुराना आदि द्वारा गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया गया। कार्यालय भवन में डॉक्टर अभिषेक पल्लव का एमएसएमई के समस्त पदाधिकारियों द्वारा गुलदस्ते भेंट कर सम्मान किया गया। पुलिस अधीक्षक ने उद्योगपतियों की भारी संख्या और उनकी एकजुटता देखकर प्रसन्नता जताई और अपने स्वागत के लिए संघ के पदाधिकारियों सदस्यों का आभार जताया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से उद्योगपतियों ने चर्चा भी करी और उनकी समस्याओं को भी सुना। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगातार जितने संगठन हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल, सबके साथ संपर्क किया जा रहा है। जन जागरूकता और जन सहभागिता, इस दो का जो है पूरा यूज़ किया जा रहा है। वो जनता खुद ही सीसीटीवी से लगा रही है, आसपास सफाई कर रही है। आज इसी संदर्भ में फरीदनगर में पहले जनता के साथ रूबरू प्रोग्राम में 6 सीसीटीवी कैमरा का उद्घाटन किया गया और उसके बाद एमएसएमई के जो इंडस्ट्रीज के मेंबर्स थे के झा सर के नेतृत्व में, उनसे सबसे मिला गया। जो उनके कंस्ट्रक्टिव सजेशंस थे उनको लिया गया, कैसे वहाँ पे चोरी को रोका जा सकता है, कैसे वहाँ पे सहायता केंद्र खोला जा सकता है, कैसे कबाड़ियों पे जो है प्रभावी कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे होली से पहले जो है शांति बरकरार रखी जा सकती है, जनता और सभी जन संगठनों की मदद से, जन प्रतिनिधियों की मदद से होली को जो है अच्छा करने की कोशिश हो रही है। हमने जो डिपॉजिट स्कीम किया है, सभी लोग अपने अवैध शस्त्र, चाकू, छुरी आके थानों में डिपॉजिट करते हैं, उसका अच्छा मैसेज आ रहा है। सैकड़ों शस्त्र जमा कर दिए गए हैं, उनकी गोपनीयता बरकरार रखी जा रही है और इस बार शस्त्र मुक्त होली जो है गुलालों की और रंगों की होली होगी। कहीं भी चूकी, छुरी, चाकू और शस्त्र नहीं चलेंगे। एक शांति व्यवस्था कायम होगी, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब से मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7898815399 पब्लिक किया है, लगातार हमारे पास फोटोज, वीडियोज आ रहे हैं, उसके ऊपर सैकड़ों कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक के नियमों में काफ़ी सुधार आया, पहले जो हेलमेट और सीट बेल्ट का यूसेज नगण्य था वो काफ़ी बढ़ा है, लोगों में जागरूकता आई है, धीरे धीरे करके जागरूकता फैलेगी। हमारा कोशिश किसी को परेशान करने की नहीं है, कोशिश है कि वो उस चीज़ की महत्ता समझे। जब परिवार एक बार महत्ता समझेगा तो वो खुद अपने सदस्य को हेलमेट के लिए और सीट बेल्ट के लिए बोलेगा और एक बार जब टोक टोक शुरू हो जाएगी, जो लोग छुरी चाकू रखते हैं उनको खाना बनाने के लिए सही कंस्ट्रक्टिव काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी घर में गृहिणी भी ध्यान दें कि उनके पति यदि पीने जा रहे हैं तो छुरी चाकू ना रखें, अन्यथा छुरी चाकू के साथ पकड़ाने से उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। लगातार रात में हम 11 बजे के बाद धमधा रोड, पाटन रोड और अंडर रोड में चेकिंग कर रहे हैं। इसका फायदा हुआ है कि जो आउटर में एक्सीडेंट्स हो रहे थे उसकी संख्या कम हुई है, लोगों की जाने जाने कम हुई है। जनता के फीडबैक के आधार पे हमारे फेसबुक में जो है हमारे करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स हो गए, लगातार हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स आते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आयोजन की जानकारी एमएसएमई जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष के झा ने दी। दुर्ग जिले के एसपी श्री अभिषेक पल्लव जी आए हमारे एमएसएमई जिला उद्योग संघ के बीच में, आज हम लोग प्रफुल्लित हुए। उनका आज जो राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हुआ है, सम्मान हुआ है, उसके सम्मान के लिए हम लोग सम्मानित किए आज। आज बहुत ही खुशी की बात है, उद्योग और पुलिस एक साथ होली के पूर्व संध्या पर मिले हैं, वो बहुत ही अच्छे से इसको निर्वाह करेंगे। समस्या यहाँ पर कोई खास अभी है नहीं, क्योंकि समस्या का जब से वो आए हैं लगभग समस्या वो खोज खोज करके खुद हम जो समस्या बताएंगे उससे पहले समस्या उनको मालूम रहता है और उसका निराकरण भी कर देते हैं, इसलिए समस्या कोई नहीं था। आज होली है, बुरा अनुमान होली है। ध्रुव पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, उद्योगपति की नज़र से और आम पब्लिक की नज़र से अच्छा काम कर रहा है। चूँकि ये मुख्यमंत्री जी का भी क्षेत्र है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत चुस्त और तंदुरुस्त है, जिसको हम लोग दुरुस्त के पुलिस को सैल्यूट करते हैं।
कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष के झा एवं अन्य पदाधिकारियों ने एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।